डेंग बनाने के लिए चाहिए साबूदाना और दूध। पहले मैं दूध को काट के इसको बॉयल करके गाढ़ा करके रख देंगे। उसके लिए दूध डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध सारे डाल दिया है। इस दूध को मैं चूल्हा में बिठा देती हूँ इसको बॉयल करने के लिए। दूध हमारे बॉयल हो चुका है। अब इसको दूसरा साइड में इसको पका लेंगे। अब 20-25 मिनट इसको पका के गाढ़ा कर लेंगे। और इधर साबूदाना पकाने के लिए कढ़ाई बिठा दिया है। इसमें पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारे पानी डाल दिया है। पानी हमारे गुनगुना हो चुका है। अब डाल देंगे एक कटोरी साबूदाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के इसको हिला के मिला के इसको अच्छे से पकाना होगा। ये पकाने में टाइम लगेगा गन्ने में। इसको ढककर 10 मिनट पका लेंगे। ढक्कन खोल के देखती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए पकना होगा इसको साबूदाना, जब तक गल ना जाए, अच्छी से पक ना जाए। अच्छी से पकने के बाद ही इसको छान लेंगे। अभी अच्छी से पका नहीं है, अभी टाइम लगेगा 10 मिनट। देख सकते हो अब पक चुका है। ये पकाने में बहुत टाइम लगता है। अब देख सकते हैं पक गया, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गया। सफ़ेद है ही नहीं, बिल्कुल कांच के जैसे हो गया। देख सकते हो ये पक गया है। अब इसको छानना होगा। इसको छान लेती हूँ। इसको छानने के लिए एक बोल ले लिया है, इसको छाननी भी ले लिया। अब इसको ऐसे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारे छान लेंगे। अब ये बोल हटा के ये वाले बोल ले लेती हूँ। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि आपस में चिपक ना जाए। थोड़ा थोड़ा कर डाल के इसको इस तरह से हिला हिला के धो लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ताकि आपस में चिपक ना जाए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे, दो आम लिया है और एक कटोरी साबूदाना लिया है। आम को इसको काट कर इसको प्यूरी बना लेंगे। साबूदाना को पकाना होगा, इसको एक हेल्दी सा डिंग बनाएंगे। चलिए चूल्हे के पास साबूदाना को पका के ले आती हूँ। साबूदाना भी पका लिया है। पका के छान के इस तरह से बना लिया, अब देख सकते हो। और दूध भी इसको पका के भी ठंडा कर लिया। अब बनाने का बारी है। बनाने के लिए चाहिए एक बोल। एक बोल ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स मील, ज़्यादा नहीं। आम में भी मिष्टी है।
आलोक मीठा सा आम में भी आलोक फ्लेवर है। इसको अच्छी से मिला लेंगे। आपका पास कॉर्नफ्लेक्स मिल रहे तो डालना, बहुत ही टेस्टिंग होगा, बहुत ही यम्मी होगा। और नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप चीनी भी डाल सकते हो। बना लिया है, अब इसको गिलास ले लेती हूँ। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ आम। और एक गिलास ले लेती हूँ, इसी में भी कटा हुआ आम डाल देती हूँ। अब डाल देती हूँ साबूदाना, बहुत ही यम्मी एक डिंग बनेगा, बहुत ही हेल्दी। आप मुहर्रम का रोज़ा रखा है तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टिंग एक डिंग बनेगा। अब डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे आम का प्यूरी। बहुत ही हेल्दी एक डिंग बनेगा, जरूर घर पर बनाना। आम अभी भी है। और थोड़ा कटा हुआ आम दिए गार्निशिंग कर देती हूँ। अब ले लेंगे एक सर्विंग बोल। डिंग वगैरह पीने से, ये सब डिंग पीने से बहुत हेल्दी डिंग है, ज़रूर एक बार बनाना, बना के पी के देखना मेरा रेसिपी। अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब, मेरा चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जब नया वीडियो डाले आपके पास तुरंत चला जाए। और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।